Hey friends, welcome back to my channel and you're watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो. अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करके बताना ना भूलें आज का वीडियो आपको कैसा लगा. इस टाइप के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें. रोज 11 बजे एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ और बहुत बार दिन में दो वीडियोस भी अपलोड हो जाते हैं. तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है फिर वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. कोई भी वीडियो मिस ना करें. गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करें. गिव अवे में पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं इतने सारे एक्साइटिंग प्राइजेस. तो इसको बिल्कुल मिस ना करें और वीडियो को स्टार्टिंग सेंटेंस जरूर देखें. स्टार्ट करें आज का वीडियो. फ्रेंड्स, जैसे कि दिवाली आ रही है तो इस दिवाली बनाते हैं सुंदर सुंदर सी कैंडल्स, जिनको घर में बनाना बहुत ही इजी है और आप अपने घर के वेस्ट मटेरियल से इन कैंडल्स को बना सकते हैं. आज आपको इन दो तरीके की कैंडल्स बनाना सिखाऊंगी तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. इस टाइप की भी इनोवेटिव कैंडल अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. इस कैंडल को आप 5 मिनट से भी कम में बनाकर रेडी कर सकते हैं और लुक तो आप देख ही सकते हैं. पहले बनाते हैं ये स्पार्कल कैंडल्स, जिसके लिए हमें दिए की भी जरूरत नहीं है. हमारे पास जो कुछ वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है उसी का यूज करेंगे. सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ये ग्लासेस. ये ग्लास आपके घर में जो भी ग्लासेस हो उनका आप यूज कर सकते हैं. ग्लासेस हो, बोल्स हो, उनका किसी का भी यूज कर सकते हैं. साथ ही में मेरे पास है यहाँ पर कुछ ओल्ड इयररिंग्स जिनको मैं अब यूज नहीं करती हूँ. तो इन्हीं की यूज से हम आज बनाएंगे ये ब्यूटीफुल कैंडल्स. मेरे पास जो भी इयररिंग्स थे वो सब मैंने इन ग्लासेस में डाल दिए हैं. साथ ही में कुछ पुरानी राखी है उसको भी हम यूज कर सकते हैं इस टाइप की इनोवेटिव कैंडल्स बनाने में. जब ये सब चीजें आपने ग्लास में डाल दी हैं, उसके बाद आपको इन ग्लासेस को फिल करना है वाटर से. आपके पास कुछ भी इस टाइप की चीजें, मोती हो या फिर कुछ इस टाइप के इयररिंग्स हो, कुछ भी चीज हो, उनका आप यूज कर सकते हैं इस टाइप का इनको लुक देने के लिए. जस्ट लुक एट दिस, कितनी ब्यूटीफुल ये कैंडल्स लगेंगी. कांच के ग्लास में जब आप इस तरीके से कुछ कलरफुल चीजें डालते हैं तो उनका रिफ्लेक्शन बहुत ही प्यारा आता है. तो कुछ भी कलरफुल मोती या फिर पुरानी राखी इसमें आप ऐड कर सकते हैं. साथ ही में मेरे पास है यहाँ पर स्पार्कल, जो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर बहुत ही इजीली मिल जाती है. इस स्पार्कल को डालने से आपकी कैंडल बहुत ही सुंदर लगने वाली है. तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पिंक कलर की स्पार्कल इसमें ऐड कर दी है. इसको कर लिया है स्पून से मिक्स. अगर आप इनको एरोमेटिक बनाना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर आप इसमें कुछ भी एसेंस या फिर आप कोई सेंट वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं. तो आपकी कैंडल्स जब जलाई जाएंगी तो उनमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी. तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है दूसरे ग्लास में ब्लू कलर का स्पार्कल और उसको भी कर लिया है अच्छे से मिक्स. अब हम इसके अंदर कोई भी कैंडल्स वगैरह नहीं रखेंगे. हम सिंपली इसके अंदर ऐड करने वाले हैं ऑयल. जो भी आप पूजा में ऑयल यूज करते हैं उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए. जितना ज्यादा ऑयल आप इसके अंदर ऐड करेंगे आपकी कैंडल उतनी ही देर तक चलती रहेगी. तो मैंने यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है. इसमें ये कैंडल्स लगभग एक घंटा जल जाती है. तो इतना ही ऑयल आपको भी ऐड कर देना है. आप देख सकते हैं थोड़ी सी एक लेयर हमने यहाँ पर ऑयल की बना दी है. अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि स्पार्कल थोड़ी कम है तो इसमें थोड़ी सी स्पार्कल और ऐड कर दीजिए. तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर के ग्लास में थोड़ी सी स्पार्कल और ऐड कर दी है. अब आप देख सकते हैं ग्लास देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं. अब मेरे पास है यहाँ पर ये कैंडल्स जिनको मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है. जो इसकी विग है, मींस जिसको हम जलाने वाले हैं, वो मैंने यूज किया है कलावा. इसकी हेल्प से मैंने इसकी विग बनाई है ताकि ये काफी देर तक जलती रहे और काफी अच्छी सी इसकी लौ आए. फिर इसको फिक्स करने के लिए थोड़ा सा टेप का यूज किया है. ये किस तरीके से बनाई है अभी आगे इस वीडियो में बताऊंगी, तो इसको देखते रहें. इस तरीके से फिक्स कर लीजिए इसको ताकि आपकी ये जो कैंडल है वो बिल्कुल फिक्स रहे. इसके बाद आपको इसे ऑयल में इस तरीके से डिप करना है कि जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है वो ऑयल में अच्छे से डिप हो जाए. अगर वो ऑयल में अच्छे से डिप नहीं हुआ ये प्लास्टिक जल जाएगी. अगर अच्छे से प्लास्टिक इस ऑयल में डिप हो गई है तो ये नहीं जलेगी. इस टाइप की कैंडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कुछ प्लास्टिक जो कि थोड़ा सा हार्ड है. इस तरीके का प्लास्टिक ले लीजिए, उसको टू फोल्ड करने के बाद अगेन फोल्ड कीजिए कुछ इस तरीके से. और उसके बाद जो आप देख सकते हैं ये नोक निकली हुई है, हल्का सा इसको कट कर दीजिए ताकि इसके अंदर एक होल हो जाए. आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें होल हो गया है. और उसके बाद जो हमने कलावे का यूज करके विग बनाई है इसको हम इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर देंगे. उसके पहले आप इसको जितने साइज का आपको करना है उस साइज का बना लीजिए. किस तरीके से हमने कलावे का विग बनाया है ये अभी आगे मैं आपको दूसरी कैंडल के साथ दिखाऊंगी.
अब मैं इसको जला देती हूँ, लाइटन अप कर देती हूँ। जस्ट लुक एट दिस, ये कैंडल्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। एक बार इस मेथड को ट्राई ज़रूर करें, आप देखेंगे कि आपने इतनी खूबसूरत कैंडल घर में बना ली, वो भी केवल 5 मिनट में। आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं दिवाली पर। अपने घर में डेकोरेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और अपने घर में सजाने के लिए तो ये यूज़ कर ही सकते हैं। तो चलिए अब बात आती है इन वाली कैंडल्स की, जिसको हमने बनाया है ओल्ड कैंडल्स का यूज़ करके। मेरे पास कुछ यहाँ पर ओल्ड कैंडल्स थी, जिनको आपको कुछ इस तरीके से तोड़ लेना है, और इनको तोड़कर इनके जितने भी धागे हैं इनको आप निकाल कर अलग कर लीजिए। आप चाहें तो इन्हीं धागों का यूज़ कर सकते हैं अपनी कैंडल्स को लाइटन अप करने के लिए, या फिर हम बनाएंगे कलावे की हेल्प से, जिससे आपके कैंडल की लौ बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरीके से ये जो हमने कैंडल्स तोड़ी थी, इनको एक कटोरी में लेकर मैंने इसको कर लिया है मेल्ट। जब तक ये मेल्ट हो रही है, तब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्रेयॉन्स कलर्स। जो भी कलर्स की आपको चाहिए वो कलर इसमें हल्का सा ऐड कर दीजिए और इसको मेल्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं उसी कलर की आपकी ये कैंडल बन जाती है। अगर आपके पास क्रेयॉन्स कलर्स नहीं है, तब आप कोई भी फूडिंग कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये हमारी कैंडल अच्छे से मेल्ट हो गई है, उसी में हमने थोड़ा सा ये कलावा लिया है और इस तरीके से इसको एक कपड़े से मुझे पोंछ देना है, ताकि इस कलावे के ऊपर अच्छे से वैक्स लग जाए और आपकी कैंडल बनाने वाली लौ बिल्कुल तैयार हो जाए। कैंडल के लिए आपको अलग से वैक्स विक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरीके से कलावे का यूज़ करके इस वैक्स विक को बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी लौ बनती है, और इसको सूखने के लिए रख दीजिए, 5 मिनट के बाद सूख जाएगी। उसके बाद जो भी मोल्ड्स आपके पास हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर फेशिया का ये प्लास्टिक कंटेनर था, साथ ही में कुछ नेल पेंट रिमूवर टिश्यूज़ के बॉक्स थे, जिनका मैं यूज़ कर रही हूँ अलग अलग मोल्ड्स में। जब ये आपका कलावा अच्छे से सूख गया है, उसके बाद आप इसको मन चाहे साइज़ में कट कर लीजिए। हमको जो कैंडल्स बनानी है उसके लिए इतने छोटे साइज़ का विक सही रहेगा। तो इस कंटेनर में मैं अब इसको इस तरीके से लगा दूंगी, साथ ही में जो आपने कैंडल मेल्ट की है उसमें कलर ऐड किया है उसको आप इसमें पलट दीजिए। उसके बाद जब ये 5 मिनट बाद थोड़ा सेट होने लग जाए, तब इसको आप हल्का सा बीच में कर दीजिए इस धागे को, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और इस तरीके से आप दो कलर्स की भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा हुआ है और इसके अंदर ऐड कर दिया है कलावा। उसके बाद आप चाहें तो इसके अंदर कुछ भी एसेंस या फिर कोई भी इत्र वगैरह ऐड कर सकते हैं, ताकि आपकी कैंडल्स और भी खुशबू वाली बन जाएँ। तो इसमें से बहुत ही अच्छा सा एरोमा आता है। यहाँ पर मैं 2-3 कलर्स की इन कैंडल्स को बना रही हूँ। सेम वही करना है कि आपको ये विक लगानी है, साथ ही में आपको इसमें ये ऐड कर देना है। जब 10 से 15 मिनट बाद ये अच्छे से फिक्स होना स्टार्ट हो जाएं, तब आपको इनका जो आपने कलावा लगाया है उसको सेंटर में कर दीजिए, ताकि ये बिल्कुल बीच में आ जाएं। ये मैंने बनाई है कुछ रोज की लीव्स के साथ, इसमें इसको सेट होने के लिए रख दिया है। 15 मिनट्स में ये फ्रीज में सेट हो जाती हैं। अगर आप इन्हें बाहर ही छोड़ते हैं तो ये आधे घंटे में सेट हो जाती हैं। आधे घंटे के बाद आप इसको हल्का हल्का सा प्रेस कीजिए चारों साइड से, या फिर आप स्पून के बैक साइड से इसको हल्का सा निकालेंगे साइड से, तो ये आराम से निकल जाती हैं। जस्ट लुक एट दिस, कितनी प्यारी प्यारी इनकी शेप्स आई हैं। इसको हल्का हल्का सा चारों साइड से प्रेस करना है और ये आराम से निकल आएंगी। वाओ, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इस टाइप से आपके पास जो भी मोल्ड्स हों आप उनका यूज़ कर सकते हैं और इतनी ब्यूटीफुल कैंडल्स बना सकते हैं, कलरफुल कैंडल्स बना सकते हैं। जो आपके पास इतनी पुरानी कैंडल्स रखी थी जिनका कोई यूज़ नहीं था और वो देखने में इतनी खूबसूरत नहीं लगती हैं, उनका यूज़ करके आप इस तरीके से ये डबल शेड की या फिर इस टाइप के डिज़ाइंस की कैंडल्स बना सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो एक बार इस वीडियो में सिखाए गए कैंडल्स बनाने के तरीके को ट्राई ज़रूर करें। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट एपिसोड में एक और ब्यूटीफुल कैंडल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड इन एडवांस हैप्पी दिवाली।